नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्या। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से लिए गए जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मार्च सेशन में ली गई परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। इसमें हरियाणा की करनाल की खुशी सिंह ने 99.87% हासिल की है। इसके साथ साथ खुशी को फिजिक्स में 100% अंक मिले हैं। बेटी की सफलता में जहां परिवार में खुशी का माहौल है, वही केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली खुशी के तमाम गुरुजनों और प्रधानाचार्य के चेहरे पर रौनक है। आपको बता दें कि खुशी केंद्रीय विद्यालय करनाल की कक्षा 12वीं की छात्रा है। इनके पिता वीरेंद्र कुमार सिंह भारतीय वायुसेना के वारंट अफसर के पद पर कार्यरत हैं और अभी नंबर 2 हरियाणा एयर एनसीसी करनाल में तैनात है। इससे पहले खुशी ने साल 2019 में 10वीं की परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया था। 2019 में ही उसने RMO क्वालिफाई किया था और अब JEE मेंस परीक्षा को करेक्ट करके नाम रोशन किया है। खुशी सिंह ने अपनी सफलता के पीछे अपने माता पिता, तमाम शिक्षकों और अपने परिवार का हाथ बताया। वहीं खुशी की मां रंजना ने कहा कि खुशी बचपन से ही पढ़ाई में खासी रुचि रखती है। खुशी भविष्य में IIT में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच से डिग्री हासिल करना चाहती है और इस दिशा में उसने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। वहीं खुशी ने मेहनत और लगन को अपनी सफलता का मूल मंत्र बताया। मीडिया से बात करते हुए खुशी ने कहा कि कोई भी परीक्षा को ट्रैक करने के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करना बहुत जरूरी है और रोजाना कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। रटाफिकेशन को दरकिनार करते हुए हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। खुशी ने बताया कि बच्चों को हर सब्जेक्ट्स के नोट्स जरूर बनाने चाहिए, इससे परीक्षा के समय दोहराने में आसानी रहती है। सफलता के सबसे बड़े मूल मंत्र को खुशी ने मीडिया से साझा करते हुए बताया कि जब तक जुनून अंदर से पैदा नहीं होगा, तब तक सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। वही प्रधानाचार्य राजकुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। साथ ही उन्होंने खुशी और उसके माता पिता और भाई को सफलता का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि खुशी ने हमारा और हमारे विद्यालय परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। वही तमाम गुरुजनों ने खुशी जाहिर करते हुए खुशी को मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिया। जी, इसके लिए मैं क्रेडिट तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को हर टाइम, जब भी अगर मैं सक्सेसफुल हुई हूँ या नहीं हुई हूँ, हर टाइम उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। सो फर्स्ट क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स एंड आफ्टर दैट टीचर्स एंड ऑल द कोचिंग इंस्टीट्यूट मेंबर्स ऑल्सो हु हेल्प मी, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो बेटा, कैसे कैसे इसके पीछे कितना पढ़ाई करते रहे हैं, क्या कुछ रहा है? जो मुझे स्कूल में पढ़ाते थे वो मैं घर जाके एक बार रिवाइज करती थी और उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स होते थे वो मैं पढ़ती थी और अपने टीचर से फिर आके क्लेरिफाई करती थी कोई डाउट्स होते थे तो। सो इन अ नटशेल मैं कह सकती हूँ कि मैं एक दिन में 16 आवर्स स्टडी करती थी, सेल्फ स्टडी। मम्मी पापा का कैसा सहयोग रहा है आपका? उनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने मेरे को हर टाइम सपोर्ट किया है। कोई भी मेरी रिक्वायरमेंट्स होती थी तो वो हमेशा मेरे लिए रेडी करके रखते थे। सो इन नेचुरल मेरे लिए कुछ भी, मेरे को खुद से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मेरे को सब कुछ मेरे पेरेंट्स सोच के रखते थे और जो भी जहाँ भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी हर टाइम मुझे मिला है। तो क्या कुछ बनने का सपना है आगे? मेरे को आगे CSE IIT बॉम्बे से परस्यू करना है और उसके बाद मैं इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। दूसरों को क्या संदेश देंगे बच्चों को? मैं यही संदेश दूंगी कि आपको, आप जो भी कर रहे हो, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, बस। सबसे पहले मैं तो खुशी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कहते हैं ना कि बच्चियों की तरह बच्चियों ने आज मेरा मुझे प्राउड फील कराया है। तो लड़कियों को अगर अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो लड़कियां लड़कों से किसी भी मामले में पीछे नहीं रहती है। और दूसरी तरफ मैं इस केंद्रीय विद्यालय के सभी स्टाफ को थैंक यू करना चाहूँगा कि इन्होंने मेरे बच्चे को यहाँ पे 2019 से मेरे बच्चे ने यहाँ एडमिशन लिया था 9th में एंड यहाँ से उन्होंने बच्ची ने 10th में अच्छा किया। सी हैज क्लियर्ड RMO फ्रॉम दिस विद्यालय ओनली एंड नाउ सी हैज़ गॉट गुड मार्क्स इन JEE मेन्स 99.87% एंड 100% ऑफ फिजिक्स। तो मैं स्पेशली यहाँ के प्रधानाचार्य साहब मिस्टर राजकुमार जी, फिजिक्स के टीचर, ऑल टीचर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बच्चे का हर कदम पे सहयोग दिया है, क्योंकि बिना टीचर्स के सहयोग से संभव हो ही नहीं सकता। सर, मैं यही हर माँ से बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अपने तरफ से किसी भी तरह का हेल्प करने में पीछे ना हटें। जितना उनसे बन पाए उतना हेल्प बच्चे के साथ करना चाहिए। बच्चों को टाइम से पढ़ने के लिए, कि टाइम तुम्हारा हो गया पढ़ने के लिए, अभी तक तुमने 2 मिनट, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, तुमको 2 मिनट पढ़ के निकालना चाहिए। टाइम पास नहीं करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो 2-2 मिनट भी अगर काउंट किया जाए तो घंटों में निकल जाता है। जी जी। तो और मैं ये कहूँगी कि यहाँ के टीचर हैं, प्रिंसिपल सर तो हेड हैं, तो उनको तो पता ही है कि कैसे स्कूल को मैनेज करना है, लेकिन उसके साथ साथ
जितने भी टीचर हैं वो बहुत सपोर्ट किए, और मैं इस कोरोना काल में देखी कि कभी मुझे ये फील नहीं हुआ कि बच्चे का स्कूल का पढ़ाई लॉस हो रहा है। यानी टाइम लगता था जैसे स्कूल चल रहा है, घर में ही स्कूल चल रहा है, और इनके साथ साथ मुझे भी सीखने का मौका मिलता था क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, तो मुझे भी देखने का मौका मिलता था टीचर कैसे पढ़ाते हैं, पर बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाते हैं। या तो आप रात में भी अगर कोई डाउट्स है तो आप कोई भी टीचर का फ़ोन नंबर पर आप वो डाउट डाल दो, टीचर तुरंत उसका रिप्लाई देती थी। मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ स्कूल में, मैं 9th से इस बच्ची से एसोसिएटेड हूँ, और 11th में जब इसने नॉन मेडिकल लिया था तो मैं उसे बहुत, मैंने इसको कोशिश की कि बायो भी ले, क्योंकि मुझे मालूम है ये ऐसा बच्चा जो इतना ज़्यादा फोकस्ड है, इतनी क्वेश्चनिंग ये बच्ची करती थी 9th में कि बहुत ज़्यादा, मतलब पता लगता है बच्चा कितना डीपली स्टडी करता है। तो आपको लगता है उतना ही कोऑपरेशन मैंने पेरेंट्स से, बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं पेरेंट्स क्योंकि दे आर कंसर्न, और ये कंसर्न पॉजिटिव वे में अगर हम बच्चों के साथ हर माँ बाप करें तो बच्चा बहुत ज़्यादा आगे सक्सेसफुल होगा, अलॉन्ग विद द एसोसिएशन ऑफ टीचर्स। पेरेंट्स का भी कोऑपरेशन बहुत चाहिए होता है बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको लगता है अगर मेडिकल में होती, बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। सर, खुशी ने बहुत ही मेहनत की और ये बहुत ही फोकस्ड चाइल्ड है एकदम, और इसका जो सपना है कि साइंटिस्ट बनना है, मुझे सीएस फील्ड में जाना है, तो शी हैज़ डन वेरी वेल इन कंप्यूटर साइंस आल्सो, आई हैव टॉट हर कंप्यूटर साइंस एंड शी विल डेफिनेटली क्रैक IIT। एंड मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि फोकस रहे हमेशा और मेहनत करना ना छोड़े। खुशी सच में डिज़र्व करती है, और मैं हमेशा इसके उज्जवल भविष्य के लिए भी कामना करती हूँ कि जहाँ भी लाइफ में आगे बढ़ें और हर कदम पर इनको सफलता मिले, और इनके परिवार को और हमारे पूरे विद्यालय को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और डेडिकेटेड एफर्ट्स अगर कोई भी प्रेजेंट करता है तो सक्सेस उससे दूर ज़्यादा देर तक नहीं सकता। अच्छे से मेहनत करें, अच्छे तरीके से दूर किया और ये काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंची हैं, और सभी पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी यही विश है कि ये और भी ऊंचाइयों पर छुए और बुलंदी तक जाए। कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे आप खुशी से? एक्सपेक्टेशन तो हमें इनसे अच्छा था, जितना आया इतने की हमने भी उम्मीद नहीं की थी, हमें भी इसने आश्चर्यचकित किया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 97-98% लेकिन 99.87 इट इज़ रियली गुड, और हम और विश करते हैं कि ये जब भी और आगे का एग्जाम दे तो इससे भी अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिले। ये तो आपकी। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।